नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रदूषित हवा, आपकी हवा में जहर, और मुद्दा ये सियासतदानों के लिए। जी हाँ, दिल्ली सरकार से लेकर केंद्र सरकार, एलजी, सब इस पर अपने अपने तरीके से सियासत कर रहे हैं। अब जबकि परिस्थिति ऐसी हो गई है कि जहर इतना है हवा में कि मीटर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा उसे, तब देखिए सब कैसे नींद से जागने के लिए सामने आ खड़े हुए हैं। दिल्ली धुआं धुआं है, हवा में जहर घुल चुका है। दिल्ली वालों के फेफड़े धौंकनी बन चुके हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। धुंध में दिल्ली दौड़ रही है, भाग रही है, हांफ रही है, खांस रही है। आसमान में चीले पंख फैलाए जैसे दिल्ली की जिंदगियों पर मंडरा रही है। जहरीले धुएं से जिंदगी बचाने के लिए दिल्ली मास्क पहन रही है। बाजार से अब मास्क भी गायब हो चुके हैं। जिंदगी भगवान भरोसे है। ब्रीद ही नहीं कर सक रहा आदमी, ये हालत है बुरी। किसी को परवाह ही नहीं है। ये तो यहाँ मास्क मिल रहे हैं, हम इनसे ले रहे हैं, मास्क खत्म है। मेडिकल्स पे जाते हैं, उसके मास्क नहीं होते। दिल्ली में प्रदूषण पहले भी था, लेकिन कभी इतना नहीं था। हवाओं में जहर कभी इतना नहीं था कि जहर को नापने वाली मशीनें जवाब दे जाएं। जंग तो फिर हो लेगी, लेकिन अभी वक्त दिल्ली को बचाने का है। लिहाजा दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने हालात पर बैठक बुलाई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली के आला अधिकारी एलजी के घर पहुंच गए। जहरीले धुएं में समाई दिल्ली को उबारने के लिए बैठकें हो रही हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने भी पंजाब, दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। दिल्ली को जहरीले धुएं से बचाने की बैठक थी। एक दूसरे पर आरोप मरकर खत्म हो गए। सभी राज्यों के मंत्री एक दूसरे को टोपी पहनाने में लीन रहे। दिल्ली का रास्ता इस बैठक से नहीं निकलना था। दिल्ली का रास्ता दिल्ली में निकलेगा। दिल्ली के रास्ते के लिए दिल्ली की राज्य सरकार को उसके अंदर पहल करना पड़ेगी, और सारे बिंदु कहे जा चुके हैं, सारे गोल्स निश्चित हैं, सारी बातें निश्चित हैं। कि आप किसान भाइयों को उसकी प्रणाली की पूरी लागत दे दें, वो सारा खरीद लें, ये कोई इल्जाम है? ये हम तो उसमें खुद उनका साथ देने के लिए कह रहे हैं कि हम भी साथ दे रहे हैं आपका। अगर केंद्रीय मंत्री जी से मैंने कहा है, अनिल जी से, अगर उसमें दिल्ली सरकार को भी अगर आप इनिशिएटिव उठाओ तो अपील है, हमारी गुजारिश है। डिटेल इसमें बात हुई, सारे डेटा बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके पोल्यूशन का आप देख रहे हैं, विंड की सिचुएशन देख रहे हैं, जीरो विंड वो है। तो वहाँ का पोल्यूशन, पंजाब का और हरियाणा का पोल्यूशन एनसीआर में किस तरीके से आ सकता था? हमारा दिल मानता है भी 250 किलोमीटर से जहाँ आ जाएगा, हमारी तो बिंड नहीं इधर को आती, हमारी तो बिंड तो इधर जाती है। हमारा तो प्रदूषण है ही नहीं पंजाब में, हमारा तो कंट्रोल है। हमने पंजाब ने कंट्रोल किया है, पर कंट्रोल तो दिल्ली का नहीं। ये हमारे से 6 गुना ज्यादा पैदा प्रदूषण पैदा करते हैं। सरकारें नूरा कुश्ती में लगी हुई हैं। पर्यावरण प्रेमी गुहार लगा रहे हैं। दिल्ली को जहर से बचाने के लिए अदालतों की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। सीएसई की डायरेक्टर सुनीता नारायण सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं, तो वहीं एनजीटी ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार को लानत भेजी है। जस्टिस ने कहा कि कल इस मैटर के ऊपर सुनवाई होगी, और हमारी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ कोर्ट सख्ती से गवर्नमेंट को बताएगी कि क्या करना है। कोर्ट बार बार ये कह रहा है कि अगर आप इतने ज़्यादा कर्मशील हैं तो फिर आपने क्या स्टेप्स लिए ये बताइए, और आपने कितने चलान करे कंस्ट्रक्शन साइट्स के ये बताइए। तो इस पे कोई भी इफेक्टिव आंसर नहीं आ पाया है कोर्ट में। PM 2.5, PM 10 जैसी चीज़ें डस्ट पार्टिकल से होती है, इस पे डस्ट रिमूव नहीं कर पा रही है सरकार। तो ऑड इवन ला के अगर ये सोचते हैं कि एयर क्वालिटी में इम्प्रूव हो जाएगा, तो एक वो सिर्फ भ्रम है। पंजाब के खेत धुआं उगल रहे हैं, सड़कों की धूल फेफड़ों को निशाना बना रही है, डीजल से चलने वाले ट्रक जहर छोड़ रहे हैं। जहर का कहर रोकने में दिल्ली सरकार को भी खांसी आ जा रही है। जो हवा जीवन देती है, वही हवा अब दिल्ली में मौत का पैगाम लेकर मंडरा रही है। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। दिल्ली वालों की दिल्ली का दम घुट रहा है। पूनम शर्मा और पंकज जैन के साथ अशोक सिंघल,
दिल्ली आज तक। आनन फानन में कुछ कदम उठाने की बात हुई और ऐसे में पानी के छिड़काव का भी जिक्र था। अब ऐसे पेड़ जो पानी के लिए खुद तरसते हैं जड़ों में, उन पर पानी छिड़का जा रहा है। क्या असर, क्या हो रहा है देखिए। दिल्ली की हवा में घुलते जहर को कम करने के लिए ये सरकारी कवायद है। जिन पेड़ों की जड़ें पानी के लिए तरसती थीं, उनकी पत्तियों की सिंचाई हो रही है ताकि उन पर जमी धूल हट जाए। बड़े स्तर पर ये कदम उठाए गए हैं और अब NDMC इस तरीके से सड़कों पर पानी छिड़का करके, साथ ही पेड़ों की धुलाई करके पोल्यूशन को कम करने में जुटा हुआ है। MCD दिल्ली में मशीनों से पेड़ों की सिंचाई कर रही है, तो दिल्ली सरकार भी नींद से जाग चुकी है। सरकार का PWD मंत्रालय सड़कों की सिंचाई में जुटा है। सड़कों पर धूल जमा है, यही धूल के कण उड़कर हवा को और भी जहरीला बना रहे हैं। पथ पर और तस्वीरें आपको सबसे पहले मौसम की दिखाते हैं, किस तरीके से आज सुबह से ही लगातार धुंध छाई हुई है और ये प्रदूषण जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार कह रही है कि उन्होंने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसका कितना असर होगा और कितने दिन में होगा ये देखना होगा। दिल्ली में प्रदूषण का हाल ऐसा है कि बिना मास्क के निकलना खतरे से खाली नहीं। बाजार से मास्क गायब हो चुके हैं। कई इलाके में समाज सेवी मास्क और पौधे लोगों को मुफ्त बांट रहे हैं। लोगों को साफ हवा मुहैया कराने वाला मास्क भी सियासी रंग पकड़ चुका है। BJP कार्यकर्ता राजीव चौक पहुंचे और मेट्रो स्टेशन के पास खड़े होकर मास्क बांटना और केजरीवाल सरकार को कोसना शुरू कर दिया। आज दिल्ली की हालत यह हो गई है कि बाहर से लोगों ने आना छोड़ दिया, इतना रेपुटेशन दिल्ली का खराब हुआ है। और ये सरकार पिछले 8 महीने में जो ऑड एंड इवेंट का नाटक किया था, उसके बाद आज तक कोई रियल स्टेप नहीं किया है। आसमान में प्रदूषण की चादर छाई हुई है और ऐसे में लोगों में एक डर भी बैठ गया है और इसीलिए हम इस वक्त ब्रॉड प्लेस के मेट्रो स्टेशन पर हैं और यहाँ पर जो BJP के कार्यकर्ता है वो लोगों को मास्क बांट रहे हैं ताकि कम से कम जो प्रदूषण है उससे लोग अपना बचाव कर सके। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात को लेकर हुक्मरानों की हवा खराब है। दो बार पूरी दिल्ली को हलकान करने वाले ऑड इवन फॉर्मूले को झाड़ पोछ कर एक बार फिर सड़क पर उतारने की तैयारी चल रही है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने वालों को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कई अहम फैसले भी लिए। सवाल यह है कि क्या सरकार के ये फैसले हकीकत की जमीन पर उतरेंगे? पंकज जैन के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। हो हल्ला मचा, ऐलान किया गया, ऐलान कि ये कदम उठाया जाएगा, ये कदम उठाया जाएगा। उसमें ये भी शामिल किया गया कि कंस्ट्रक्शन जो अलग अलग जगहों पर हो रहा है उनकी वजह से प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ता है, उस पर रोक लगाई जाए। लेकिन क्या है उस फरमान का हाल सड़क पर, देखिए। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई ऐसी एजेंसी नहीं जो ये तय कर सके कि हाँ ये कहा गया है तो यही होगा। दिल्ली में कंस्ट्रक्शन 5 दिनों के लिए बंद। दिल्ली में कूड़ा जलाने पर पाबंदी। दिल्ली की आबोहवा दुरुस्त करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कड़े फैसले किए थे, लेकिन देखिए कैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार के फैसले की धज्जियां उड़ गई हैं। दिल्ली में रोक के बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। मशीनें अब भी मार्बल काट रही हैं, जिसकी धूल दिल्ली वालों के फेफड़ों में पहुंच रही है। प्राइवेट बिल्डर फ्लैट बना रहे हैं, तो DDA की साइट पर सड़कों का निर्माण चल रहा है। दिल्ली के करोल बाग में छिपकर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। मार्बल की कटाई चल रही है, सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है। प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने के लिए कहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर मजदूर बाकायदा काम कर रहे हैं और इतना ही नहीं, साथ ही साथ पत्थरों के काटने का भी काम यहाँ पर चल रहा है। इस सीढ़ियों के जरिए हम ऊपर की तरफ पहुँचते हैं और आपको दिखाते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी भी लगातार चल रहा है। दिल्ली में न तो निर्माण कार्य रुका है और न ही कूड़े के ढेर में आग लगाना। ये तस्वीर गाजीपुर लैंडफिल साइट की है। कूड़े के ढेर से उठता धुएं का गुबार आसपास के लोगों के लिए जहर बन चुका है। अचानक से कूड़े से आग निकलने लगती है, धुआं फैलता है और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा इस प्रदूषण को झेलना पड़ता है। और अभी भी आप देखें, सरकार ने जिस तरह से आदेश दिए हैं कि लैंडफिल साइट पर
किसी भी तरह से आग नहीं लगनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पूरे पहाड़ में आपको सिर्फ धुएं के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। सरकारी फरमानों की ये जमीनी हकीकत है, कहीं पत्तियां जल रही हैं तो कहीं कूड़े के ढेर धुएं उगल रहे हैं। दिल्ली गैस चैम्बर बनकर रह गई है। पंकज जैन के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। अब सवाल यह है कि ये रास्ता निकलेगा कैसे, प्रदूषण को हम नियंत्रित करेंगे कैसे। माना जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में जो किसान पराली जला रहे हैं उसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रदूषण आ रहा है। कोई उस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। कानून है बाकायदा, अपराध है ये, लेकिन फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। चुनाव है। आग पंजाब और हरियाणा के खेतों में लगी है और कलेजा दिल्ली का झुलस रहा है। पड़ोसी राज्य के खेतों से उठते धुएं में दिल्ली का दम घुट रहा है। इस वक्त हम हरियाणा के एक धान के खेत में हैं। खेत से आप अच्छी तरह देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुब्बार उठ रहा है और यही धुएं का गुब्बार आसमान में पहुंच रहा है। आसमान में पहुंचकर यही धुआं दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन बैठा है और दिल्ली वालों की नाक में दम किए हुए हैं। पंजाब और हरियाणा के खेतों में बची पराली में किसान आग लगा रहे हैं। धान की फसल तो किसानों ने कंबाइन मशीन से कटवा ली, खेतों में बची पराली को आग के हवाले करने के अलावा कोई और सस्ती तरकीब उनके पास नहीं है। किसानों को पता है कि इससे आबो हवा खराब होती है, लेकिन करे भी तो क्या करें। धान की पराली जलाते हैं या सनक की पराली, वो क्या कारण है, उसके पीछे क्यों जलाते हैं? मजबूरी है, इसके रेट वेट मिलते नहीं धान के, और अगर हम इसे ट्रैक्टर ट्रॉली में लदवा के अलग भी गिरवाएं तो उसमें बहुत खर्चा आएगा। इसी के साथ बुलेटिन में स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से एक बार फिर आपका स्वागत है। एक शहीद का शरीर उसके गांव पहुंचा और उसकी मंगेतर वहां पहुंची उसे विदाई देने के लिए। ऐसी तस्वीरें कि बस पूछिए मत। बनना था दूल्हा लेकिन कांधे पर विदाई दी जा रही थी और मंगेतर पहुंची थी आखिरी सलामी देने। दिन ऐसा जाता होगा कि हिंदुस्तान के किसी न किसी गांव में देश के जवान की अर्थी को कंधा देने के लिए ऐसा मजमा ना लगता। शहादत की ऐसी धुन कानों में पड़ती है तो रोंगटे खड़े कर जाते। तिरंगे में लिपटे वो माई के लाल अपनी धरती पर सांसों को त्याग कर लौटते हैं तो उनकी शहादत पर फख्र तो होता है, लेकिन दुश्मन पर क्रोध भी बहुत आता है। आखिर कब तक ऐसे ही शहादत हमको आपको रुलाती रहे। आक्रोश भी उबल पड़ता है। हाँ, ये सच है कि देश के वीरों को भारत माता की रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है एक माँ ने, एक पिता ने, एक भाई ने, एक बहन ने, लेकिन दुश्मन का भी तो इलाज जरूरी है। जो गोलियां वो अपनी हद से बरसा रहा है उस गोली का अब सरहद से ऐसा जवाब जरूरी है कि पाकिस्तान अपने हथियारों का मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे। आज फिर देश का एक परिवार शहादत के आंसू रो रहा है। जी हाँ, शहीद गुरु सेवक की शहादत पर। शहीद गुरु सेवक ने देश की खातिर अपनी जान न्योछावर कर दी और पीछे छोड़ गए गम की अंतहीन दास्तान। आज एक शहादत पर मंगेतर रो रही है। आज एक शहीद को उसकी मंगेतर आखिरी विदाई दे रही है। 22 सिख रेजिमेंट में तैनात गुरुसेवक पंजाब में तरन तारण के रहने वाले थे। 13 फरवरी को उनकी शादी होने वाली थी। जी बहुत माणा, देश लिए उन्होंने कुर्बानी की थी। हमेशा सारा देश, सारा नगर उन्होंने जागरूक हुआ। मैरिज दिया तकरीबन सारिया तैयारियां हो गई, उन्होंने वेट ही बस।
उस सेवक ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी शादी की सारी तैयारियां करके गए थे। ये देखिए दुल्हन के लिए सोने का नेकलेस, और ये देखिए सोने की अंगूठी तो सगाई की है। घड़ी देखिए जो गुरुसेवक को ससुराल की तरफ से मिली थी। पायल देखिए, अपने होने वाली पत्नी के लिए गुरुसेवक पायल भी खरीद कर रख गए थे, और तो और अपने लिए कपड़े भी खरीद कर रख गए थे, और जाते जाते मां से ये कहकर गए थे, शादी की तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं, पैलेस बुक करा दिया गया है, कपड़े और ज्वेलरी भी खरीद ली गई है, शादी में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, जल्द आकर मैं घर पेंट भी करवा दूंगा। जो परिवार अपने राज दुलारे के दूल्हा बनने के सपने देख रहा था, वो उसकी फोटो को हाथ में लेकर शहादत की सिसकियां ले रहा है। लगे कि वीर जी दुनिया तो चले गए, खुशी है वीर जी चले गए, वीर जी हार नहीं हुई थे, आ रहे हैं घर घर खबर जा रही है, बड़ा मान है वीर ते गर्व है, वीर ने देश के लिए कुर्बानी दी है। तीन महीने पहले गुरुसेवक की सगाई हुई थी, वो घर पर यही कहकर गया था कि शादी से 10 दिन पहले आएगा, लेकिन अब गांव में पार्थिव शरीर पहुंचा है। बहुत खुशी की गल वा जिहड़ा इन्हें देह हाथ सीधी की, दुखी की गल यही उहदी शादी सरकार नूं जिहड़े मूँह तोड़ा जवाब पाकिस्तान नूं देना चाहिए, मूँह तोड़ा जवाब देन, 71 दे विच 65 विच मूँह तोड़ा जवाब दित्ता है ना, ते मुड़ के मूँह नहीं ना कीता। रविवार को LOC पर पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग में गुरुसेवक शहीद हो गए और पीछे छोड़ गए बेहिसाब आंसुओं की दास्तान। अमित शर्मा, तरन तारण, आज तक। इस बीच खबर आ रही है दिल्ली के सदर बाजार इलाके में आग लगी है, बताया जा रहा है झुग्गी झोपड़ियों का पूरा इलाका, 30 गाड़ियां दमकल की वहां पर पहुंची हैं, सकरी गलियां हैं, इससे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना हो रहा है, भयावह तस्वीर, बहुत आप कह सकते हैं बड़े पैमाने पर ये आग वहां पर लगी है, नुकसान कितना इसका अंदेशा लगाना इस वक्त मुश्किल, लेकिन किसी के भी हताहत या घायल होने की खबर अभी तक नहीं आई है। पुनीत शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में सदर बाजार इलाके में जबरदस्त आग लग गई है झुग्गियों में, आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा है, ये पूरा झुग्गी का इलाका है, झुग्गी बस्ती है ये पूरी, और एक झुग्गी में आग लगी और उसके बाद ये जो आग है वो पूरी तरीके से फैलती चली गई है, कई किलोमीटर का एरिया है ये जहां पर ये आग अभी फैली, आप देख सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा है, जो तमाम झुग्गियां थी घर थे वो पूरी तरीके से जल गए। शुरू में जब फायर को खबर मिली तो तकरीबन 15 फायर टेंडर को बुलाया गया मौके पर, लेकिन इसके बाद और सारे फायर टेंडर्स को यहां पर बुलाया गया है, जबरदस्त आग लगी हुई है, अभी तक कैजुअल्टी का पता नहीं है, लेकिन कई फायर टेंडर्स इस वक्त मौके पर जुटे हुए हैं और इस भयानक आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा रिहायशी इलाका है ये, आप देख सकते हैं कि ये जो आग है कितनी जबरदस्त है, पूरा इलाका इस वक्त आग की चपेट में है, कितनी झुग्गियां हैं, कितने घर हैं, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया, और यह आग इस वक्त तकरीबन आधा किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इस आग को काबू करने के लिए जो फायर टेंडर्स हैं वो कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन सकरी गलियां हैं, छोटा इलाका है, सकरे रास्ते हैं, इसलिए इस आग तक पहुंच पाना इस वक्त इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जबरदस्त आग है, एक घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन जिस तरह की यह आग है, जो आग तेजी से बढ़ रही है, उससे जल्द ही इस आग पर काबू पाना मुश्किल, आप देख सकते हैं कि जो आग की भयावहता है वो कितनी ज्यादा है, पूरे इलाके में इस वक्त आग पूरी तरीके से फैल चुकी है, आसपास के इलाके को खाली कराया जा रहा है, पुलिस की टीम मौके पर है, एम्बुलेंस बुलाई गई है, अभी तक कैजुअल्टी के बारे में पता नहीं लगा है, लेकिन फायर टेंडर्स अपनी जान पर खेलकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पुनीत शर्मा, दिल्ली, आज तक। और अब बात नजीब की, नजीब को लेकर आज भी आखिर इतना सन्नाटा क्यों है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ये सवाल एक माँ पूछ रही है, 15 अक्टूबर से उसका बेटा खोया हुआ है, सड़क पर निकली तो हंगामा, आज जब पूछ रही है कि दिल्ली पुलिस हर हाल में मेरे बेटे को खोज कर लाए तो सन्नाटा,
दुआ कर दी परवरदिगार मेरा बच्चा मेरे साथ सुना तो मैं खुश रहूँ। हाथ जोड़कर ये माँ मिन्नतें मांग रही है कोई इसका बेटा सही सलामत लौटा दे। पहले दिन से मैं देख रही हूँ जेएनयू प्रशासन पुलिस सब के सब सोए हुए हैं कोई नहीं, और जब हम आते हैं रोड पर तो हमें उठा लिया जाता है बुरी तरह से घसीट के मुझे बस में डाला गया। हालांकि दिल्ली पुलिस नजीब की माँ को घसीटने के आरोपों से साफ इनकार कर रही है। मैन हैंडल किसी को नहीं किया गया। तो वो जो उसको उनको लटका के खींचा जा रहा था वो क्या था? नहीं देखिए, अगर मान लिया कोई रोड के ऊपर अगर कोई somebody lays down, तो इसका मतलब वो खुद ही नहीं, ऐसा है कि अगर कोई lay down, मतलब अगर लेट जाता है जमीन के ऊपर लेट जाता है और वहां पर एक भगदड़ का सिचुएशन मचता है, तो उसमें उस भगदड़ में उसके इंजर्ड होने का चांसेस होता है। देयर आर चांसेस दैट शी वुड हैव बीन ट्रैम्पल्ड। 24 दिन से नजीब का कोई सुराग नहीं है, और जब आज तक की टीम ने नजीब को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह से सवाल किए तो जवाब नील बटे सन्नाटा में मिलता है। सर, नजीब में जिस तरह से खदेड़ा गया, उसकी जो उनकी मदर थी इस तरह से खदेड़ा गया, कुछ बोलना चाहेंगे सर इसको? वी विल बी ब्रीफ बाय द पीआरओ। मदर के साथ धक्का मुक्की की है, उनको स्टेशन पुलिस स्टेशन घसीट के लेके गए हैं, कुछ बोलना है सर आपको इस पे? राजनाथ जी, दिल्ली पुलिस के एक्शन पे कुछ बोलेंगे आप? हम आपको बता दें कि नजीब की गुमशुदगी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेएनयू में जाकर छात्रों से इस आंदोलन को कैंपस से बाहर ले जाने का आह्वान कर चुके हैं, तो राष्ट्रपति से भी मिल चुके हैं। वो एक लड़का बेचारा गायब हो गया, नजीब 20 दिन से गायब है। पुलिस कुछ क्यों नहीं कर रही? जिस दिन वो लड़का गायब हुआ था जेएनयू से, उसके पिछली वाली रात को एबीवीपी के लड़कों ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा था, बहुत बुरी, 10-12 लड़कों ने वार्डन के सामने उसको पीटा था, और अगले दिन वो सुबह लड़का गायब हो जाता है। और पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो रही दिल्ली पुलिस की कि उन 10-12 लड़कों को पकड़ के और उनसे पूछताछ कर ली। और जब छात्र जेएनयू कैंपस से निकले तो हाल ये कर दिया गया। अब पुलिस ने नजीब पर 2 लाख रुपए का इनाम रखा है। चिराग कोठी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान स्टंट करता हुआ खुद एक्टर और विलेन, और इसी बीच स्टंट करते हुए ही कुछ गड़बड़ हो जाए और किसी की मौत हो जाए, ये सब कुछ कैमरे में कैद। देखिए मौत का स्टंट। इन तस्वीरों की सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं एक हेलीकॉप्टर से एक के बाद एक 3 लोग गहरी झील में गिर रहे हैं। ये वो खौफनाक हादसा है जिसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। हम आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से झील में गिरने वाले ये 3 लोग एक फिल्म के कलाकार हैं, जिनमें 2 विलन और 1 हीरो शामिल है। अब बेहद गौर से देखिए, हेलीकॉप्टर से पहले जो 2 लोग झील में गिरते हैं वो फिल्म के विलेन हैं, जिनका नाम राघव उदय और अनिल है। तीसरा जो शख्स हेलीकॉप्टर से गिरता है वो फिल्म का हीरो यानी दुनिया विजय है। इन 3 के साथ क्या हुआ हम आपको इसका पूरा सच दिखाएंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो कुछ हुआ वो आपको चौंका देगा। आप देख सकते हैं कि बेंगलोर की झील के पास कन्नड़ फिल्म मस्तगुड़ी की शूटिंग चल रही है। हीरो हैं, विलन हैं, पूरी शूटिंग यूनिट मौजूद है। अभी इस झील के ऊपर हेलीकॉप्टर से फिल्म का एक जबरदस्त स्टंट भी फिल्माया जाना है। एक सीन खत्म होने के बाद स्टंट की बारी आती है, और ये देखिए हवा में उड़ता हेलीकॉप्टर, पहले उससे 2 लोग कूदते हैं और फिर तीसरा शख्स कूदता है। शूटिंग देखने वाले लोग समझ रहे थे कि झील में गिरना स्टंट का ही हिस्सा है, तभी अचानक पता चलता है कि ये स्टंट नहीं बल्कि बड़ा हादसा है जो अब हो चुका है। फौरन पास में खड़ी रेस्क्यू बोट झील में दौड़ाई जाती है तो 30 से 60 फीट गहरी बताई जा रही है। पता चलता है कि जो 2 लोग पहले हेलीकॉप्टर से झील में गिरे वो फिल्म के विलन थे, जिनका नाम राघव उदय और अनिल है। उदय साल 2014 में बेस्ट विलन का एक अवार्ड भी जीत चुके हैं, लेकिन ये दोनों ही झील की गहराई में कहीं गुम हो जाते हैं। और जब तीसरा शख्स यानी हीरो दुनिया विजय
झील में गिरता है तो किस्मत से उस बोट के जरिए उसे बचा लिया जाता है। राघव उदय और अनिल का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। आशंका यही है कि दोनों की मौत हो चुकी है। फिल्म के मेकर्स पर केस दर्ज कर लिया गया है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।